गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ पवन कुमार यादव, प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग. टुडेज वी आर डिस्कसिंग अबाउट कॉस्ट एनालिसिस ऑफ गैसीफायर और बायो डीजल. कॉस्ट एनालिसिस, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम ये जो कॉस्ट एनालिसिस कर रहे हैं ये किस चीज़ का कर रहे हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि हम जब भी किसी भी सेटअप या प्लांट या किसी भी इंस्टॉलेशन की बात करते हैं तो उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, मतलब कॉस्ट एसोसिएटेड होता है. तो यहाँ पर हमने ये बताया है कि अगर हम कोई प्लांट या कोई सेटअप जो कि बायो एनर्जी से रिलेटेड है, इस एग्जांपल में हम बात बायो एनर्जी की सबसे पहले करेंगे, उसको आप कोरिलेट कर सकते हैं बायो प्लांट से भी कर सकते हैं, गैसीफायर से भी कर सकते हैं, बाकी दूसरे जो जितने भी बायो एनर्जी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उन सभी से आप इसको जोड़ सकते हैं. इसीलिए हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है. तो यहाँ लिखा है बायो एनर्जी ऑल्सो फाउंड टू बी इकोनॉमिकल फ्रॉम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. यहाँ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इसलिए कहा गया है क्योंकि रनिंग कॉस्ट जो लग रही है वो बायोमास की, वो नेग्लिजिबल है. नेग्लिजिबल इसलिए है क्योंकि बायोमास फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलता है हमको, क्योंकि एक तरह का वेस्ट है. अब यहाँ पर हमने एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लिया है, इसमें एक स्मॉल साइज़ फैमिली ली है. उस स्मॉल साइज़ फैमिली जो कि गाँवों में रहती है उसके बेसिस पर हमने कैलकुलेशन कर कर बताया है कि अगर हम कोई सेटअप लगाते हैं बायो एनर्जी का तो वो वर्थफुल है या नहीं है. तो पहले टोटल इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है हमने यहाँ लिखा हुआ है, एक स्मॉल प्लांट अगर हम या कोई सेटअप लगाते हैं उसका कॉस्ट है 20,000 रुपीज़. फिर हमने दूसरे एंड पर यह बताया है कि एक LPG रिक्वायरमेंट एक स्मॉल फैमिली की जो है वो है 2 kg पर पर्सन, मतलब एक महीने के अंदर 2 kg जो है कंज्यूम किया जाता है अलग अलग पर्पस के लिए. फिर हमने बताया है टोटल कॉस्ट ऑफ LPG सिलेंडर, जो कि हमें पता है, आप सभी लोग जानते हैं कि LPG सिलेंडर का कॉस्ट 767 रुपीज़ है. 16 kg का सिलेंडर आता है, उसका ये कॉस्ट है. इसी के बेसिस पर हमने 767 को डिवाइड किया है 16 kg से, तो पर kg का कॉस्ट हमारे पास यहाँ पर आ गया है 48 रुपीज़. अब यहाँ पर हमने बताया है कि एक स्मॉल साइज़ जो फैमिली है उसमें कितने मेंबर मैक्सिमम होते हैं, तो हमने यहाँ पर बताया है कि 8 मेंबर, अगर विलेज या गांव की बात कर रहे हैं हम तो वहाँ पर मिनिमम 8 मेंबर जो हैं एक फैमिली में तो होते ही हैं. अब 8 मेंबर की गैस की रिक्वायरमेंट जो है, जब हम 8 मेंबर्स की बात कर रहे हैं तो हम ये बोल रहे हैं हर मेंबर जो है 2 kg जो है वो कंज्यूम कर रहा है, तो 8 पर्सन जो हैं वो 16 kg यानी एक मंथ के अंदर 16 kg जो है LPG कंज्यूम करेंगे. अब यहाँ पर हमने जो है नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया है कि एक पूरी स्मॉल साइज़ फैमिली है जो कि 8 मेंबर्स की है, उसका मंथली कंजम्पशन एक सिलेंडर मतलब 16 kg है. फिर हमने ईयरली कॉस्ट निकाला है. ईयरली कॉस्ट मतलब एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, हर महीने में एक सिलेंडर लग रहा है और एक सिलेंडर की कॉस्ट 767 रुपीज़ है, तो 12 महीने के हिसाब से यानी साल भर की अगर हम बात करें तो 9,204 रुपीज़, मतलब 9,204 रुपये हमें टोटल इतना अमाउंट लग रहा है एक छोटी सी फैमिली की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए. ये एक साल का जो है कॉस्ट का एनालिसिस या कंजम्पशन के बेसिस पर जो है जितना अमाउंट लग रहा है एनर्जी का वो निकाला गया है. अब इस कैलकुलेशन को लेकर, LPG की कैलकुलेशन को लेकर हम बायो एनर्जी में किसी, अगर हम बायो एनर्जी की बात कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड हम कोई सा भी अगर सेटअप लगाते हैं तो उस सेटअप की कॉस्ट को अगर हम अपने पास रखते हैं, और जो जो भी हम अगर इलेक्ट्रिसिटी का कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का, अगर हम बायो गैस का कर रहे हैं तो बायो गैस का, हम जिस तरह का भी एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, क्योंकि बायो
मास को हम हर तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पुराने टॉपिक्स में कि हम उसको लिक्विड में यूज़ कर सकते हैं, तो लिक्विड में वो बायोडीजल के फॉर्म में आ जाएगा। फिर हमने बायोगैस की भी बात करी, गैशियस फॉर्म में आ जाएगा। फिर हमने प्रोड्यूसर गैस की बात करी, गैसीफायर, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी फर्दर इंजन में चलाकर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भी आ जाएगा। तो हमें करना सिर्फ इतना है कि हमको ओवरऑल इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो भी है उसकी निकाल लेनी है, और दूसरे एंड पर जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट निकली है साथ ही साथ हमें कंजम्पशन निकालना है। अगर इलेक्ट्रिसिटी का कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का, अगर एलपीजी का कर रहे हैं तो एलपीजी का, और वो कॉस्ट यहाँ पर लिख लेना है। इसके बाद हम बात करते हैं पे बैक पीरियड की। पे बैक पीरियड बेसिकली वो पीरियड होता है जो कि ये बताता है कि कितने ड्यूरेशन तक हमारा जो है कॉस्ट जो हमने लगाया है, क्योंकि इंस्टॉलेशन कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि इसकी जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है, तो वो कॉस्ट हम कितने सालों में, जो हमने पैसा लगाया है वो कितने सालों में हम निकाल सकते हैं। तो कितने सालों में निकाल सकते हैं इसके लिए हमने यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है कि यहाँ हमने टोटल इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है उसको रखा है, और इंस्टॉलेशन कॉस्ट के साथ साथ हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया है अमाउंट ऑफ रुपीज़ जो कि कंज्यूम हुआ है। यहाँ पर हमने जो है पे बैक पीरियड निकालने के लिए हमने इंस्टॉलेशन कॉस्ट को डिवाइड किया है जो टोटल एक्सपेंसेस साल भर में हमारे लग रहे हैं। साल भर के एक्सपेंसेस इसलिए निकाले हैं ताकि हमें वो टेन्योर पता चल जाए जितने दिनों के अंदर या जितने सालों के अंदर हमारा पूरा का पूरा सेटअप जो है वो फ्री हो जाए। तो यहाँ पर जब हमने डिवाइड किया है इंस्टॉलेशन कॉस्ट को जो ओवरऑल ईयरली एक्सपेंसेस के साथ, तो यहाँ पर हमें मिला है 2.17 ईयर अप्रॉक्सीमेटली, मतलब 2 साल 2 महीने के अंदर हमारा पूरा का पूरा सेटअप जो हम लगाया है हमने वो हमारा फ्री हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह आप जो है बायो एनर्जी की किसी भी सोर्स के सेटअप कॉस्ट को निकालेंगे, उसी के साथ साथ किसी भी तरह की इस तरह की किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो उस बायो एनर्जी के साथ जो फॉर्मेशन हो रहा है और उसमें जो कंज्यूम हो रहा है ईयरली बेसिस वो आप निकालेंगे, तो इससे आप ये बता सकते हैं कि कितने साल में वो पूरा का पूरा सिस्टम फ्री हो जाएगा। कॉस्ट एनालिसिस, अब हम कॉस्ट एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो यहाँ फिर हम बायो एनर्जी की बात कर रहे हैं। कॉस्ट एनालिसिस बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर गैसीफायर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कॉस्ट एनालिसिस जो आपको दिया गया है वो गैसीफायर का ही दिया गया है, लेकिन हमने जो पीछे चैप्टर में अभी पढ़ा है, जो डिस्कस किया है, उसके बेसिस पर हम किसी भी तरह की बायो एनर्जी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर हम कॉस्ट एनालिसिस के जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। फ्यूल सप्लाई कॉस्ट पहला है, दूसरा है कैपिटल कॉस्ट, तीसरा है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, और चौथा है सेफ्टी। ये जो कॉस्ट एसोसिएटेड थिंग्स हैं, मतलब हर चीज़ में जब हम बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो आपको ये पता है कि एक्स डायरेक्शन तक अगर मूवमेंट कराते हैं शॉप फ्लोर में किसी भी चीज़ का, तो उसमें पैसा इन्वॉल्व होता है। तो जब हम ये बोल रहे हैं कि किसी भी चीज़ का मूवमेंट अगर हो रहा है तो उसमें जो है मनी इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम बायोमास को ट्रांसपोर्ट कर कर एक जगह से दूसरी जगह लेकर आ रहे हैं और बायोमास को हम जो है यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, बायोमास को हम स्टोर भी कर रहे हैं, तो अगर हम ये मान लें कि अगर बहुत सारे खेत हैं किसी गांव में और अलग अलग खेतों से पहले हमें बायोमास को कलेक्ट करना है, कलेक्ट करने के बाद हमें उसमें लेबर कॉस्ट लगेगा, लेबर कॉस्ट कलेक्शन में तो लगा ही है, उसके बाद फिर हम उसको स्टोर कर रहे हैं, यानी हम पहले ट्रांसपोर्टेशन दे रहे हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन देकर हमें एक जगह से दूसरी जगह उसको लेकर जाना है, जहाँ पर हमारा प्लांट बना हुआ है वहाँ तक उसको लेकर आना पड़ेगा क्योंकि वो रनिंग फ्यूल है और उसी फ्यूल से जो है हमारा पूरा जो है सेटअप चलेगा, तो उस फ्यूल को उस डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा देना पड़ेगा, फिर लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा हमें लगेगा। उसके बाद जब हम उसे स्टोर करेंगे, इतना सारा बायोमास है तो हम उसे ओपनली नहीं पटक सकते, तो हमें उसके लिए स्टोरिंग के लिए एक जगह बनानी पड़ेगी, वहाँ पर कुछ मशीनों का सेटअप बनाना पड़ेगा ताकि हम उसको जो है क्रश कर कर जो है छोटे छोटे पार्ट्स या पार्टिकल्स में तोड़ कर उसको यूजेबल फॉर्म में लेकर आ जाएं।
अगर हम बायोडीजल की बात कर रहे हैं तो प्रेसिंग मशीन्स लगानी पड़ेगी हमको, उसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर हम बात कर रहे हैं बायो गैस प्लांट की, तो हमें स्लरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसमें भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हम गैसीफायर की बात कर रहे हैं तो उसमें भी हमें क्रशिंग करने के बाद उसमें ब्रैकेट्स बनाने पड़ेंगे, छोटे छोटे कॉम्पैक्ट ब्रैकेट बनाने पड़ेंगे। तो इन सभी के लिए मशीनों का कॉस्ट अलग लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट अलग लगेगा, स्टोरिंग का कॉस्ट अलग लगेगा, लेबर कॉस्ट अलग लगेगा। तो ये फ्यूल सप्लाई कॉस्ट जो है, अगर हम बात करते हैं गैसीफायर प्लांट की या किसी भी बायो एनर्जी प्लांट की, तो उसमें बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हम बात करते हैं कैपिटल कॉस्ट की। कैपिटल कॉस्ट जो है, कैपिटल कॉस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, अब बात करते हैं हम दूसरे नंबर पर कैपिटल कॉस्ट की। कैपिटल कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो कैपिटल कॉस्ट के अंदर इंस्टॉलेशन या सेटअप कॉस्ट आता है। सेटअप कॉस्ट या इंस्टॉलेशन कॉस्ट की जब हम बात करते हैं, तो वो लैंड एक्वायर, जहाँ पर हम प्लांट बनाना चाह रहे हैं, उस लैंड का प्राइस होगा, वो इसके साथ एसोसिएटेड हो जाएगा। साथ ही साथ अगर हम सेटअप लगा रहे हैं तो सेटअप का जो एसेसरीज़, जो भी मटेरियल्स होंगे और जो लेबर कॉस्ट होगी उसके इंस्टॉलेशन के लिए, जो सेटअप की कॉस्ट होगी वो इसमें लग जाएगा। तो इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी होगा, तो ये कॉस्ट भी साथ में जुड़ेगी। फिर बात करते हैं तीसरे नंबर पर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अगर हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में जैसे हम गैसीफायर की बात कर रहे हैं, तो गैसीफायर में जब हम प्रोड्यूसर गैस एट लास्ट निकालते हैं गैसीफायर से, तो गैसीफायर से जैसी प्रोड्यूसर गैस बाहर निकली, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। अगर हम उसकी रिफाइनिंग नहीं करते हैं और हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं और उसको एज इट इज़ यूज़ करने की कोशिश करते हैं इंजन में, तो इंजन में जो है टार जो है, क्योंकि उस गैस में टार भी है, बाकी सारी चीज़ें भी हैं, अगर हमने वाटर स्प्रिंकलिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करा, गैस के टेम्परेचर का, अगर टेम्परेचर को हमने रिड्यूस नहीं करा, तो उससे ये होगा कि पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे हम यूज़ करते जाएंगे उसका, तो इंजन जो है उसमें मेंटेनेंस जो है वो बढ़ता जाएगा। तो उसके लिए हमें जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी, वो भी कॉस्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें मेंटेनेंस, क्योंकि हम आईसी इंजन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो कॉस्ट भी इसके साथ एसोसिएटेड है। फिर लास्ट में हम बात करते हैं सेफ्टी। जब हम सेफ्टी की बात कर रहे हैं, तो प्रोड्यूसर गैस जब हम बाहर निकाल रहे हैं, उससे पहले जब हम उसमें ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरी भी ऐसी जो हार्मफुल गैसेज हैं उसमें से निकल रही हैं, तो हमें जो है सेफ्टी की भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे। और अगर प्रेशर क्रिएट होता है, तो हमें प्रेशर्स के लिए भी हमें अलग अलग जो है इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें। तो इस तरह से हमें प्लांट में जो है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें अगर, तो इससे भी जो है गैसीफायर की कॉस्ट जो है वो इम्प्रूव हो रही है। तो इस तरह से हम अगर बात करें ये चार पॉइंट, तो रनिंग कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट के अलावा, यानी अगर हम किसी भी प्लांट की बात कर रहे हैं या गैसीफायर की बात कर रहे हैं, तो रनिंग कॉस्ट तो लगेगी लगेगी, और सेटअप कॉस्ट भी लगेगी, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी लगेगी। तो इसको अगर हम अच्छी तरह से और समझना चाहें, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं, जो पहला पॉइंट है फ्यूल सप्लाई कॉस्ट, ये है रनिंग कॉस्ट, जो बायोमास जो उसमें हम बार बार जला रहे हैं और उससे गैसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये पहला कॉस्ट उससे एसोसिएटेड है। कैपिटल कॉस्ट, ये वाला कॉस्ट जो है, जो सेटअप लगाया है, जो इंस्टॉल करा है, जो पूरा हमने गैसीफायर बनाया है, ये उसका कॉस्ट है, दूसरा कॉस्ट। तीसरा और चौथा जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और सेफ्टी है, ये अदर कॉस्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है कॉस्ट एनालिसिस गैसीफायर का बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा बायोडीजल का। स्टूडेंट, बायोडीजल की अगर हम बात करें, तो बायोडीजल जो है वो होता है, बायोडीजल इज़ अ फॉर्म ऑफ फ्यूल डिराइव फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल एंड कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड ईस्टर। इट इज़ टिपिकली मेड बाय केमिकली रिएक्टिंग लिपिड सच एज एनिमल वेट फैट, सोयाबीन ऑयल और सम अदर वेजिटेबल ऑयल विथ एन अल्कोहल प्रोड्यूसिंग अ मिथाइल इथाइल एस्टर। जब हम यहाँ पर बात करना है बायोडीजल की, तो बायोडीजल की जब भी हम बात करते हैं,
तो यहाँ पर हम जो बायोमास है, तो बायोमास जो अभी हम बात कर रहे थे वो सॉलिड लेवल पे हम ले रहे थे, और उस सॉलिड बायोमास को चाहे हम वहाँ बायोगैस प्लांट की बात करें या गैसीफायर की, हमने दोनों जगह पर सॉलिड बायोमास का इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ पर हम लिक्विड बायोमास का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो लिक्विड बायोमास में हम फर्दर जो है प्रोसेस कराकर जो है मिथाइल एथाइल ईस्टर जो है उससे प्रोड्यूस करवाते हैं, उसी बायोमास से जो लिक्विड बायोमास है हमारे पास, और उससे हम जो है बायोडीजल बनाते हैं। बायोडीजल ब्लेंड्स, हम ब्लेंड्स की बात कर रहे हैं। ब्लेंड का मतलब ये है कि जब हम बायोडीजल को एक्सट्रैक्ट करते हैं पूरी प्रोसेस के द्वारा, जिसको हम ट्रांस एस्टेरिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू जब हम बायोमास को कन्वर्ट करके बायोडीजल में ले आते हैं, तो बायोडीजल या तो हम एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, जो डीजल हमारे पास अवेलेबल है उसको हम एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, पहला तरीका है, या फिर हम उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ पेट्रो डीजल यानी जो पेट्रोलियम वाला डीजल है, जो क्रूड ऑयल जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको उसके साथ मिलाकर हम यूज़ कर लें। तो जब हम मिलाते हैं तो वो कहलाता है ब्लेंडेड फॉर्म, यानी जब हम बायोडीजल के साथ दूसरी चीज़ को यानी पेट्रो डीजल को मिला रहे हैं तो वो ब्लेंडेड फॉर्म कहलाता है, इसी को हम ब्लेंड भी बोलते हैं। तो ब्लेंड के लिए हम बी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बी फैक्टर जो होता है बायोडीजल के अंदर वो ब्लेंड कहलाता है। अब यहाँ पर जो है 100% बायोडीजल इज़ रेफर टू एज B100। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखने वाली बात ये है, 100% और B100 में 100 100 सेम दिख रहा है आपको, तो 100 100 सेम है और B जो है वो है ब्लेंड, तो इसका मतलब ये है कि ये 100% जो है प्योर फॉर्म ऑफ बायोडीजल है, यानी इसमें किसी भी तरह की कोई दूसरी इम्प्योरिटी या दूसरा कोई केमिकल नहीं मिलाया गया है, इसको प्योर फॉर्म में एज इट इज़ यानी सिंगल फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है। दूसरा 20% बायोडीजल, 80% पेट्रो डीजल इज लेबल्ड B20। B20 का मतलब ये है कि इसमें 80% पेट्रो डीजल और 20% जो है बायोडीजल मिलाया गया है। तो यहाँ से हमें स्टूडेंट देखने वाली बात ये है कि यहाँ जो B20, B5 और B2 है, ये जो तीनों लेबल्ड दिए हुए हैं, इसमें जो ब्लेंड है, ब्लेंड मतलब बायोडीजल के साथ पेट्रो डीजल, उसमें बायोडीजल की जो मात्रा है वो 20%, 5% और 2% है। तो अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं पेट्रो डीजल के थ्रू, तो जो अभी रिसेंटली जो इंजन्स हमारे पास हैं, जो कि रनिंग डीजल इंजन्स हैं, उसके अंदर किसी भी तरह का मेजर चेंज करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम 20% बायोडीजल ले रहे हैं, तो 20% बायोडीजल और पेट्रोल डीजल के साथ अगर हम मिलाकर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो आपके पास खुद के पास अगर कार है, डीजल कार है या कोई डीजल इक्विप चीज़ें हैं, तो आप उसमें इस ब्लेंड के थ्रू डायरेक्ट उसको चला सकते हैं, इंजन में किसी भी तरह की कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप प्योर फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं पूरा का पूरा बायोडीजल, तो कुछ माइनर मॉडिफिकेशन आपको करने पड़ेंगे, जिसके बाद आप जो है उस डीजल इंजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रांस एस्टेरिफिकेशन प्रोसेस, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन प्रोसेस की बात जब हम भी करते हैं, तो ये वो प्रोसेस है जो कि बायोमास को कन्वर्ट कर डीजल फ्यूल में या डीजल में कन्वर्ट करती है। तो इसमें हम पढ़ेंगे, इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस थ्रू विच ग्लिसरीन इज सेपरेटेड फ्रॉम द वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट। दिस प्रोसेस प्रोड्यूस टू प्रोडक्ट, मिथाइल और एथाइल ईस्टर विच इज़ बायोडीजल एंड ग्लीसरीन। मिथाइल और एथाइल ईस्टर यूज एज बायोडीजल। फिर यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, एडिबल ऑयल और नॉन एडिबल ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, पीनट, पाम, ऑलिव ऑयल, ये एडिबल ऑयल हैं। नॉन एडिबल ऑयल की जब हम बात कर रहे हैं, जथरोपा, करंजा, नीम, ये सारे के सारे नॉन एडिबल ऑयल हैं। यहाँ ऑयल्स की जो बात करी गई है ये आगे आपको क्लियर होगा। मिथाइल और एथाइल ईस्टर यूज्ड एज बायोडीजल, जो कि हमें पता ही है, एज प्योर फॉर्म ऑफ ब्लेंडेड फॉर्म, इट्स ब्लेंडेड फॉर्म इज़ वेरी नियर टू बायोडीजल, जो कि अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया था। 20% बायोडीजल जो है और बाकी रिमेनिंग 80% जो है पेट्रो डीजल। प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ बायोडीजल, अब यहाँ पूरी प्रोसेस बताई गई है, ऑयल प्लांट,
और एनिमल फैट से ऑयल हमने एक्सट्रैक्ट करा है, ट्रांसस्टरीफिकेशन प्रोसेस करी है और फिर हमने बायोडीजल बना लिया है। स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसी में पूरा बायोडीजल बताया गया है कि किस तरह से वो प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोमास की। बायोमास में हमने यहाँ पर सबसे पहले ये देखने को आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऑयल प्लांट और एनिमल फैट सबसे पहले लिया है। ऑयल प्लांट अभी हमने पीछे बात करी थी, नीम की, जथरोपा की, करंजा की, उसके साथ साथ सोयाबीन ऑयल की बात करी थी, पीनट ऑयल की बात करी थी, एडिबल नॉन एडिबल। तो एडिबल ऑयल तो हम एज इट इज़ यूज़ कर ही रहे हैं, यानी हम अपने खाने पीने के इस्तेमाल में यूज़ कर ही रहे हैं। तो अगर हम उसको ना छुएं, और ऐसे प्लांट जिनकी रिक्वायरमेंट होती नहीं है, अगर हम उसकी खेती करते हैं और उससे जो है हम एक्सट्रैक्ट कर लें और ऑयल निकाल लें, तब भी हम उससे बायोडीजल बना सकते हैं। और यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है बायोमास की, उस बायोमास में सिर्फ दो ही तरह के बायोमास यहाँ पर जो है रिक्वायर्ड है, एक वो प्लांट जिनमें ऑयल हो या फिर एनिमल फैट। इन दोनों का एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा हमको प्रेसिंग के थ्रू या दूसरी जो अलग अलग प्रोसेस है जिससे ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उससे हम सबसे पहले इन बायोमास से ऑयल को निकाल लेंगे। अब हमारे पास ऑयल आ गया है, सोयाबीन ऑयल भी आपने देखा होगा, है ना, मूंगफली का तेल भी आपने देखा होगा और खाते ही हैं अपन, है ना, तो वो है ऑयल। अब उस तरह का ऑयल हमारे पास अवेलेबल है, यानी वो मिला है हमें एक्सट्रैक्शन के बाद, ऑयल अब हमें मिल गया। अब ऑयल के साथ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मेथनॉल और कैटलिस्ट जो उत्प्रेरक होते हैं उन दोनों को इसके साथ मिक्स कर दे रहे हैं। मिक्स करने के बाद जो है ट्रांस एस्टरीफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। ट्रांस एस्टरीफिकेशन प्रोसेस के थ्रू जो है दो प्रोडक्ट अलग अलग निकलते हैं। दो प्रोडक्ट में एक निकलता है मिथाइल और इथाइल ईस्टर, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। स्टेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद मिथाइल इथाइल ईस्टर ये दिख रहा है आपको। फिर जो मिथाइल इथाइल ईस्टर जो मिला हुआ है उसका हमने यहाँ पर रिफाइनिंग करा है, ठीक है। रिफाइनिंग करने के बाद यहाँ फाइनली हमें बायोडीजल मिल गया है। तो इसका मतलब ये है, ये मिथाइल और इथाइल ईस्टर ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है रिस्पॉन्सिबल है बायोडीजल के फॉर्मेशन में। तो रिफाइनिंग के बाद ये बनेंगे ईस्टर। तो यहाँ हमने किया क्या है कि ऑयल लिया, उसका स्टरीफिकेशन किया, उससे ईस्टर ही निकाले हैं, मिथाइल और इथाइल ईस्टर, और उसको रिफाइंड कर हमने बायोडीजल बना दिया। लेकिन साथ साथ इसके साथ साथ जो है इसके साथ दूसरा एक सब प्रोडक्ट और निकलता है जिसको हम कहते हैं क्रूड ग्लिसरीन। ग्लिसरीन की जब हम बात कर रहे हैं क्रूड ग्लिसरीन, उसका फिर हमने रिफाइनिंग करा जैसे हमने वहाँ पर किया था ईस्टर का। रिफाइनिंग करने के बाद ग्लिसरीन जो कि हम यूज़ करते हैं, ग्लिसरीन आपने देखा भी होगा, ग्लिसरीन एक पार्ट अलग हो जाता है और रिफाइनिंग के साथ साथ उसी से ही दूसरा एक बायो प्रोडक्ट और निकलता है जिसको हम मेथेनॉल रिकवरी भी बोलते हैं। ये मेथेनॉल जैसा आप देख रहे हैं डायग्राम में, यही मेथेनॉल वापस हमने ट्रांस एस्टरीफिकेशन प्रोसेस में फिर से रीयूज़ कर लिया। तो यहाँ से जो रिफाइनिंग होती जाएगी और ये जो रिकवरी होती जाएगी, फिर एज ए इनपुट ये ट्रांस एस्टरीफिकेशन प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। तो जनरली आप दूसरी बुक्स में देखेंगे तो वहाँ पर सीधे सिंपल ये बताया गया होगा कि हमने सबसे पहले ऑयल प्लांट्स लिए, ऑयल प्लांट्स में प्रेसिंग करी ऑयल्स की, प्लांट्स की, और उससे ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लिया। ऑयल एक्सट्रैक्ट होने के बाद ट्रांस एस्टरीफिकेशन प्रोसेस हुआ, उसमें से ईस्टर निकले और ईस्टर से बायोडीजल बन गया है। मैक्सिमम बुक्स में आपको ये दिखेगा, कुछ बुक्स में आपको ये भी दिखेगा कि ट्रांस एस्टरीफिकेशन प्रोसेस से दो प्रोडक्ट अलग अलग निकले हैं, जिसमें एक ईस्टर है और एक ग्लिसरीन है। तो अलग अलग बुकों में स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके से बताया गया है। ये एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें हमने बायोमास से, जो कि हम प्लांट और एनिमल फैट बोल रहे हैं, उससे हमने बायोडीजल जो है बनाया है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।